Hi everyone, so my dear friends, in this video you will get 16 important questions from the chapter continuity, discontinuity and defensibility, and some basic concepts on continuity, discontinuity, defensibility and important points to remember about continuity, discontinuity and defensibility. Now basic concepts about continuity. Continuity क्या होता है? Now first of all you will consider f(x) be a real function and a be a real number. A function's f(x) is said to be continuous at x equal to a if these three conditions are satisfied. F of a is defined, limit exist होगा and limiting value equal to defined value है. Clear? ये analytical approach है. और geometrical approach क्या है? देखो geometrical approach ऐसा है. Suppose a functions है. यहीं पे x का वैल्यू ए है. क्लियर? सो दैट मीन्स ये जो ग्राफ ड्रॉ किया, सो इसका मतलब है क्लियर, सो इसका लिमिट एग्जिस्ट है. ये जो डार्क सर्कल है, इसका मतलब है फंक्शंस डिफाइन है. जो फंक्शंस डिफाइन यहीं पे है, लिमिट एग्जिस्ट यहीं पे है, तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू डिफाइन वैल्यू, सो एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए है. कंटिन्यूअस का मतलब है ना, इफ़ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शंस विदाउट रेजिंग योर पेन और पेंसिल, सो दैट इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ है. ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. अभी कंसेप्ट अबाउट डिसकंटिन्यूटी. डिसकंटिन्यूटी क्या है? क्लियर, थ्री केसेस में होगा. जब फंक्शंस डिफाइन नहीं होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, और जब लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू है. क्लियर? देखो यहीं पे ओपन सर्कल का मतलब है ए फंक्शंस डिफाइन नहीं है. क्लियर? तो एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड. अभी क्या है देखो, इसका क्या मतलब है? ए राइट हैंड लिमिट है, ए लेफ्ट हैंड लिमिट है, ए डिफाइन वैल्यू है. राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एक ही जगह पे कंटेन नहीं कर रहा है, सो यू कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है. जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, एंड अनदर वन इज व्हाट, यहीं पे ए जो फंक्शंस है देखो क्लियर, सो दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ए हाइट लिमिटिंग वैल्यू है, और ए जो डार्क सर्कल है इसको डिफाइन वैल्यू बोलते हैं, सो लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू डिफाइन वैल्यू, सो दैट मीन्स क्या, एफ इज डिसकंटिन्यूअस. से थ्री केसेस में फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस हो सकता है. ये थ्री केसेस आपको मालूम होना चाहिए. फर्स्ट, डिफाइन नहीं है. सेकेंड, लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू डिफाइन वैल्यू है. ना अभी जो कंसेप्ट है डिफेंसिबिलिटी. डिफेंसिबिलिटी क्या होता है? ना फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंसीडर एफ(x) बी ए रियल फंक्शन एंड ए बी ए रियल नंबर. अ फंक्शंस एफ(x) इज सेड टू बी डिफेंसिबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ f'(a) एग्जिस्ट. f'(a) एग्जिस्ट का मतलब है ना, f'(a) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू f(x) माइनस एफ ऑफ ए ओवर x माइनस a है. सपोज इफ यू कंसीडर दिस इज अ ग्राफ y इक्वल टू f(x) है, a फंक्शन है, y इक्वल टू f(x) है. ठीक है? क्लियर? यहीं पे क्या है देखो, x इक्वल टू ए है. जब x ए है तो y का वैल्यू क्या होगा? एफ ऑफ ए है. और ये जो b पॉइंट है, सपोज इफ यू कंसीडर एक्स वाई है, तो y का जगह पे f(x) लिख दिया. अभी ये दो पॉइंट को जोड़ दिया, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए है. अभी बी पॉइंट जब यहीं पे होगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू डिक्रीज होगा. बी पॉइंट जब यहीं पे होगा, अगेन डिक्रीज होगा. बी पॉइंट जब यहीं पे होगा, सो यू विल गेट ए टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए है. सो इसीलिए एफ डैश ए इक्वल टू दिस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए. ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है देखो, ना रिलेशंस इन कंटिन्यूटी, डिफेंसिबिलिटी एंड डिसकंटिन्यूटी. जो फंक्शंस डिफेंसिबल है वो कंटिन्यूअस भी है, जो कंटिन्यूअस है वो कैन भी डिफेंसिबल हो सकता है, जो डिसकंटिन्यूअस है वो हमेशा ही नॉन डिफेंसिबल है. क्लियर? बोथ वन साइडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट का मतलब है फंक्शंस कंटिन्यूअस है. ये जो क्लियर, ये चार पॉइंट्स आपका दिमाग में होना चाहिए व्हेन एवर यू विल स्टडी अबाउट कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी. क्लियर? जेई एग्जाम में इसका ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है. आपको क्लियर, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपका दिमाग में होना चाहिए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फोर्थकमिंग जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस्ड. नाउ फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस. जब भी डिसकंटिन्यूटी फाइंड करोगे, आपको देखना है डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो होगा. डिनोमिनेटर जहाँ पे जीरो होगा वहीं पे फंक्शंस अनडिफाइन है. जैसा क्लियर, सो दिस इज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वन है एट एक्स इक्वल टू वन है. इस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी टू है एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू है.
ठीक है, इस पर क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जीरो है, क्लियर। इस पर भी देखो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जीरो है। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स इज पॉजिटिव, देखो लॉग एक्स का जो ग्राफ है, सो दिस इज व्हाट, सो लाइक दिस, सो ये जो फंक्शंस है, दिस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू इट्स डोमेन है, क्लियर। ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, जेई एग्जाम में यही पूछा जाता है, आपको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ यू इज इक्वल टू दिस, वेयर यू इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 है, सो दिस इज यू प्लस 2 इंटू यू माइनस 1, क्लियर। अभी जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, फंक्शन अनडिफाइन होगा, वहीं पे डिसकंटिन्यूअस होगा, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u क्लियर, तो x का वैल्यू क्या है, हाफ है, u माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू x इक्वल टू 1 2 एंड 1 2 है, क्लियर। सो देखो यहीं पे ये जो फंक्शन है, ये तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 है, उसका साथ साथ ये दो पॉइंट मिल गया, हाफ मिल गया, एंड सो दैट इज 2 मिल गया, सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 3 है, ठीक है, सो दिस इज 3 है, एट व्हाट पॉइंट, एट एक्स इक्वल टू 1 2 एंड 1 बाई 2, क्लियर। ए पी वाई क्यू जे एडवांस है, इसे एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, रिमेंबर इट। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस, यहीं पे जो सारे फंक्शंस है, क्लियर, सो दैट मींस का जहाँ पे ये नॉट डिफाइन होगा वहीं पे डिसकंटिन्यूअस है, देखो ये क्लियर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 3 है, कहाँ कहाँ पे होगा, एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 0 एंड 1 पे है, ठीक है। इस पर भी देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 3 है, कहाँ पे होगा, सो दिस इज एक्स इक्वल टू 1 2 एंड 3 पे होगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू दिस, इसको क्लियर, एफ एक्स इक्वल टू दिस का क्या मतलब है, जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो हुआ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, सो दैट मीन्स क्या, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी सो दैट इज 4 है, एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 है। इसी टाइप का क्वेश्चन, ये सारे पी वाई क्यू जे एडवांस्ड है, काफ़ी पहले इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इसे एक बार अच्छा से याद कर लेना चाहिए। Now find the number of points of discontinuity of f x equal to 1 by log of x square minus 4 का mod है, ठीक है, क्लियर। ये फंक्शंस कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, ना जब a जीरो होगा और इसका जो वैल्यू है जब 1 होगा, जब x square minus 4 equal to 0 है, देखो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 है, और जब इसका वैल्यू 1 है, क्लियर, सो दैट इज व्हाट, सो दिस x square minus 4 equal to प्लस माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड 3 है, तो x का वैल्यू प्लस माइनस रूट 5 प्लस माइनस रूट 3 है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है, 6 है, एट व्हाट पॉइंट, एट x इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस रूट 5 एंड सो दिस इज प्लस माइनस रूट 3 है, क्लियर, सो दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 6 है। ये जो किस पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है, ये सारे पॉइंट तो यहीं पे मिल गया, क्लियर, इसे एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना। नाउ आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है, क्लियर। सो दैट मीन्स देखो ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, अभी यहीं पे क्या है, देखो जब पाई बाई 2 है, ये क्या देगा, 1 देगा, तो यहीं पे पाई बाई 2, यहीं पे ओपन सर्कल है, यहीं पे डार्क सर्कल है, ये जो वैल्यू है लेस देन 1 है, ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो 0 देगा, तो आपका ग्राफ यहीं से यहीं तक है, अभी जब नेगेटिव होगा तो यहीं से यहीं तक ग्राफ है, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, क्लियर, सो ये चार पॉइंट्स पे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, सो और दिस इज वन मेथड है, और साइन एक्स जहाँ जहाँ पे इंटीजर देगा 0, एक्स का वैल्यू 0 पाई 2 पाई, साइन एक्स इज 1, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, देखो जब नेगेटिव वैल्यू, साइन एक्स जब मिनिमम वैल्यू देगा तो उस टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम तो कंटिन्यूअस है, इसीलिए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 4 है, एट व्हाट पॉइंट, 0 पाई 2 पाई एंड पाई बाई 2 है।
Now find the number of points of discontinuity of f x equal to this for every x belongs to 0 से 2 pi है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको क्या करना है, देखो इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को लिखो। सो दिस इज माइनस रूट टू एंड रूट टू है, इसका बीच में जितना इंटीजर है उसको लिख लो, 0 एंड 1 है, इसे छोड़ देना। जब मिनिमम वैल्यू देगा कंटिन्यूस होता है, क्लियर। ये जो चार पॉइंट है उस टाइम देखो क्लियर, एक बार 0, 1, -1 ठीक, एंड सो दिस इज रूट टू है। जब जीरो पे क्या है देखो, 0 π/2π है, 1 पे कितना है 1/√2, सो x इज π/4, 3π/4, -1 पे क्या है 5π/4, 7π/4, जब रूट टू है x इक्वल टू π/2 है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है ना, सो दैट इज 8 है, क्लियर। सो दैट मीन्स x का वैल्यू 0π/2π, π/4 ठीक है, 3π/4, 5π/4, 7π/4 एंड सो दिस इज व्हाट, सो π/2 है। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज दिस। Now find the number of points of discontinuity of f x equal to 2 sin x for every x belongs to 0 से 2 pi है, क्लियर। सो दैट मीन्स का इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का बारे में तुम्हें सोचना है, a माइनस 2, a प्लस 2, इसका बीच में जितना इंटीजर है 0 एंड 1 है, ठीक है। खाली ये पॉइंट को छोड़ देना और सारे पॉइंट में x का वैल्यू को आपको फाइंड करना है, क्लियर। ये सारे पॉइंट को मैंने फाइंड किया, देखो 2 sin x इक्वल टू 0, x का वैल्यू दिस, क्लियर। 2 sin x इज 1, x का वैल्यू sin x इज हाफ, x इज π/6, 5π/6, 2 sin x इज -1, sin x इज -1, x का वैल्यू 7π/6 एंड 11π/6, 2 sin x इक्वल टू 2 है, x का वैल्यू π/2, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 8 है, एंड दोज पॉइंट्स आर 0π/2π, π/6, 5π/6, 7π/6, 11π/6 एंड π/2 है। ये जेई एडवांस, जेई मेन एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Now discuss the continuity of f x equal to greatest integers of x plus greatest integer of minus x, ठीक है। ये जो फंक्शंस है देखो, जब x का वैल्यू 2 कंसिडर करोगे, a 2 देगा, a माइनस 2 देगा, 2 माइनस 2 दैट इज 0 है। x का वैल्यू 3 कंसिडर करो, 3 माइनस 3 0 है, 5 कंसिडर करो, 5 माइनस 4 0 है। इसीलिए जब x बिलोंग्स टू इंटीजर है a 0 देगा, लेकिन सपोज x का वैल्यू क्लियर इंटीजर नहीं है, जैसे x का वैल्यू 2.5 है, तो a 2 देगा, ए तो 2 देगा, ए क्या देगा, माइनस 3 देगा, सो दैट इज -1 है। सो दैट मीन्स का एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर जब होगा -1 देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट मीन्स क्या, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स है, ठीक है, क्लियर। और इंटीजर देखो, राइट हैंड लिमिट इसका अलग है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका अलग है, क्लियर इंटीग्रल पॉइंट में। सो दैट मीन्स इसीलिए क्या होगा, ये इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। Now check the differentiability of the functions f x equal to mod of x minus 2 at x equal to 2 है, clear। So my dear friends, f x equal to x minus 2 is equal to this, functions जब differentiable होगा at x equal to 2, f dash 2 is equal to limit x tends to 2 f x minus f of 2 over x minus 2 है। एक बार मॉडुलस फंक्शंस के लिए एक बार राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लो। सो राइट हैंड लिमिट क्या है देखो, x 2 प्लस पे x माइनस 2 देगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 है, एंड 2 माइनस पे माइनस ऑफ x माइनस 2 देगा, x माइनस 2 ये कैंसिल है, सो दैट इज इट्स -1 है। ये राइट हैंड डिफेंसिबल है, ये लेफ्ट हैंड डिफेंसिबल है, दोनों तो इक्वल नहीं है, सो डिफेंसिबल डज नॉट एग्जिस्ट है, ये बोर्ड अप्रोच है। लेकिन जब भी ये सपोज ये कंपटीशन में पूछता, मैंने यहीं पे इसका ड्रॉ कर देता यहीं पे, सो दैट मीन्स के कॉर्नर पॉइंट है, इस पॉइंट में फंक्शंस इज नॉट डिफेंसिबल, ये जेई अप्रोच है, और जो क्लियर सिंप्लीफिकेशन दिखाया वो बोर्ड अप्रोच है। Now check the differentiability of the functions f x equal to this at x equal to 1 है, तो क्लियर। सो f dash 1 के लिए क्या फार्मूला होगा, लिमिट x tends to 1 f x माइनस f of 1 ओवर x माइनस 1 है, क्लियर। यहीं पे राइट हैंड डिफेंसिबल एंड लेफ्ट हैंड डिफेंसिबल के बारे में आपको सोचना है, x tends to 1 प्लस x square माइनस 1 दिस, ये तो कैंसिल है, तो x का वैल्यू 2 है, लिमिट x tends to 1 माइनस, सो दिस इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सिंस राइट हैंड डिफेंसिबल इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफेंसिबल, सो इफ इज नॉट डिफेंसिबल एट x इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ये बोर्ड अप्रोच है, क्लियर। सपोज जे अप्रोच हम मैंने फाइंड करता तो इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, एक एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जब 1 है सो लाइक दिस ऐसा है, ये है, एंड वाई को एक्स इज लेस देन 1 है, सो दिस इज, यहीं पे क्या हो गया, कॉर्नर पॉइंट हो गया, इस पॉइंट में एफ इज नॉट डिफेंसिबल।
Now check the differentiability of the functions f x equal to ln square x at x equal to 1. Functions of differentiable है उसका जो फॉर्मूला है f डैश 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 ओवर x माइनस 1. इसका वैल्यू जब फाइनाइट वैल्यू होगा तो इफ इज डिफरेंसिबल है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. लिमिट x टेंड्स टू 1 एल स्क्वायर x माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू तो जीरो है, यहीं पे x का जगह पे 1 रखो इसका वैल्यू जीरो हो गया. सो दिस अभी ये क्लियर, x का जगह पे आप y प्लस 1 पुट कर लो. ठीक, जब x टेंड्स टू 1 y टेंड्स टू जीरो है सो दिस. ठीक है, ये 1 तो कैंसिल हो गया. अभी मैंने ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू तो 1 है और इसका वैल्यू क्या है, 0 है. 1 इंटू 0 सो दैट इज इक्वल टू 0 है. सो ये फाइनाइट वैल्यू है. सो दैट मीन्स क्या, एफ इज डिफरेंसिबल एट x इक्वल टू 1 है. ये बोर्ड अप्रोच है. Now check the differentiability of the functions f x equal to e to the power mod x at x equal to 0 है. E to the power mod x equal to this e to the power x x is greater than equal to 0 minus x x is less than 0 है. तो f dash 0 का वैल्यू क्या है, लिमिट x tends to 0 f x minus f of 0 over x minus 0 है. जब भी मॉडुलस फंक्शंस होगा आपको राइट हैंड डिफरेंसिबल एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंसिबल का बारे में सोचना है. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट हैंड डिफरेंसिबल लिमिट x tends to 0 प्लस, 0 प्लस के लिए फंक्शन है, 0 माइनस के लिए फंक्शन है, 0 प्लस के लिए देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू तो आपको पता होगा सो दिस इज 1 है. एंड 0 माइनस के लिए सो दिस ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सो दिस इज 1 माइनस 1 है. ठीक है, अभी क्या हुआ, राइट हैंड डिफरेंसिबल इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंसिबल. सो इफ इज नॉट डिफरेंसिबल है. क्लियर, ये तो बोर्ड अप्रोच है. सपोज जेई अप्रोच होता तो मैं इसका ग्राफ को ड्रॉ कर लेता. सो लाइक दिस ऐसा ही ग्राफ है एंड इधर से भी इसका इमेज ले लो विद रेस्पेक्ट टू दिस. ए जो कॉर्नर पॉइंट है इस पॉइंट में एफ इज नॉट डिफरेंसिबल. नाउ चेक द डिफरेंसिबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस एट एक्स इक्वल टू जीरो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस एग्जाम. एट एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है एफ डैश जीरो इज इक्वल टू दिस. ठीक है, एफ ऑफ जीरो, यहीं पे एफ ऑफ जीरो का वैल्यू तो जीरो है सो दैट इज दिस. सो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक साइन ऑफ है 1/x. अभी एक्स टेंस टू जीरो इसका वैल्यू क्या है, साइन ऑफ इन्फिनिटी. साइन ऑफ इन्फिनिटी का मतलब क्या, फाइनाइट वैल्यू ऑसिलेटिंग बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 1 है दैट इज मल्टीप्लाइड बाई जीरो सो दैट इज इक्वल टू जीरो है. सो यू कैन से एफ इज डिफरेंसिबल एट एक्स इक्वल टू जीरो है. क्लियर, इसका वैल्यू एफ डैश जीरो का वैल्यू जब फाइनाइट होगा दैट इज एफ इज डिफरेंसिबल है. क्लियर. सो माई डियर फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस एग्जाम्स एज वेल एज ऑल जेई एग्जाम. ठीक है, इसे एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना. आज का जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट्स. नंबर ऑफ नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट्स से जेई एग्जाम के लिए पूछता है, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है. एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट होगा यहीं पे फंक्शन इज नॉन डिफरेंसिबल है. क्लियर, तो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट्स कितना है, एट 1 है एट एक्स इक्वल टू 0 है. अभी क्या है, देखो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 उसका ग्राफ दिस है. तो ये दो जगह पे कॉर्नर पॉइंट है तो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट्स 2 है एट एक्स इक्वल टू 0 एज वेल एज 2 है. अभी जब ऐसा होगा, क्लियर, e टू द पावर x इसका जो ग्राफ है ना, e टू द पावर x इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव है सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x. e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है. क्लियर, देखो ये जो फंक्शंस है ये स्मूथ कर्व है. जब स्मूथ कर्व होगा दैट फंक्शन इज डिफरेंसिबल एवरीवेयर है. सो दैट मीन्स का नंबर ऑफ नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट्स 0 है. क्लियर, ये सारे क्वेश्चंस जेई एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. नाउ फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट्स. क्लियर, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू टू पावर मॉड एक्स, देखो टू पावर मॉड एक्स का ग्राफ इज दिस. ठीक है, यहीं पे नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट्स क्या, यहीं पे एक कॉर्नर पॉइंट बनता है सो लाइक दिस ऐसा करके एक कॉर्नर पॉइंट बन जाता है तो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट्स 1 है एट एक्स इक्वल टू 0 है. एफ एक्स इक्वल टू टू द पावर माइनस मॉड एक्स, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ दिस. ठीक है, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ सो लाइक दिस. ठीक है, तो यहीं पे कॉर्नर पॉइंट है, इस पॉइंट में एफ इज़ नॉट डिफरेंसिबल. कॉर्नर पॉइंट का मतलब है ये जो पॉइंट है इस पर एक से ज़्यादा टेंजेंट तुम ड्रॉ कर सकते हो इसीलिए डिफरेंसिबल नहीं है. क्लियर, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट्स इज 1 है एट एक्स इक्वल टू 0 है. ठीक है, अभी क्या है, देखो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन एक्स, एल एन एक्स का मॉड ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ इज दिस. तो यहीं पे कॉर्नर पॉइंट है, यहीं पे एक्स का वैल्यू 1 है. नंबर ऑफ नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट्स क्या है, 1 है.
Now find the number of non-differentiable points of f x equal to mod of ln of mod x का whole mod है. Clear? देखो जब ln x ln of mod x इसका ग्राफ ना ऐसा होता है, ln of mod x है. ठीक है, अभी बाहर मॉड है तो ये ग्राफ ऐसा है. सो दैट मीन्स क्या, यहीं पे एक पॉइंट है, यहीं पे एक पॉइंट है. सो दिस नंबर ऑफ नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट्स क्या होगा, 3 होगा. क्लियर? देखो जीरो पे तो ये डिसकंटिन्यूअस है. सो एट व्हाट पॉइंट, एट एक्स इक्वल टू माइनस 1, 0 एंड 1 है. ठीक है, सेम वे एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है. ए पी वाई क्यू जे एडवांस है, 2012 में. ठीक है, तो इसका ग्राफ इस दिस कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे है, ए पॉइंट, एक पॉइंट, ए एक पॉइंट है. तो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट्स क्या है, 3 है. एट व्हाट पॉइंट, एक्स इक्वल टू माइनस 1, 0 एंड 1 है. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है. इसी टाइप का क्वेश्चन